हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज हम लोग एपी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एपी का उतना ही जितना हम लोगों ने क्या किया है, टेंथ में पढ़ा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फार्मूले लिखे हुए हैं, ये तुम लोग को अच्छे से पता है, ठीक है। इसलिए लिख लिए, टाइम बचेगा, क्योंकि फार्मूले हम सबको याद है। दो ही फार्मूले एपी में तुम लोग पढ़ कर आए हो, ठीक है। देखो, कई सारी चीज़ें जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि टेंथ के कई सारी चीज़ें हम लोगों को जेई मेन से मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100 में 100 है, लेकिन दो तीन क्वेश्चन हम लोगों को टेंथ वाले से मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है हमारा कि ये तो हम टेंथ में पढ़ कर आए थे। अब जेई मेन्स जैसे एग्जाम में आ रहा है, जो कितना होता है हम लोग को सुना है कि बहुत टफेस्ट एग्जाम है, तो दो तीन क्वेश्चन उसमें मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन अगर तुम्हें मिल जाते हैं, 25 ही क्वेश्चन करने ही होते हैं ओवरऑल, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए कितने करने हैं, 21 भी कर लोगे, 20 भी कर लोगे तो भी तुम्हारा क्लियर है। तो दो तीन अगर उसमें से तुम्हें किसमें मिल गया, टेंथ से, एक जैसे एपी हो गया, इसका मिल जाता है। दूसरा तुम्हारा मिल जाता है बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है तुम लोगों ने, अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन मिल जाता है। तो देखो, एक ये हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कभी कभी टेंथ वाला ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि टेंथ वाले जो क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ के मैं तुम्हें दिखाता कि देखो ये टेंथ वाले भी आते हैं, टेंथ वाले अपने जो है, ठीक है। तो देखो, मैं कई सारी चीज़ें छोटी छोटी तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूँ कि देखो तुम्हें पता रहे कि टेंथ से अगर हम इलेवंथ में आते हो तो टेंथ वाली चीज़ें भी हमारे साथ कहाँ आ रही है, इलेवंथ में आ रही है, ठीक है। तो इससे हमें देखो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, ठीक है, कि इतना पढ़ा था तो इसका यूज़ है। छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा टफ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे होती है उसके भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन तुम लोग को बताया भी था कि देखो बेटा ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है और कहाँ आया अपना जेई मेंस में। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के करते ना तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और क्या भी हो जाता है, चीज़ें भी आ जाती हैं कि छोटी चीज़ों से हम लोग को ये पता चल जाता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग एपी के ऊपर डिस्कशन करते हैं अपना। सबको पता है एनटम ऑफ एपी, और ये क्या होता है बेटा, सम ऑफ एनटम्स ऑफ एपी, ठीक है। सबको फॉर्मूला पता है क्योंकि सबने टेंथ अभी रिसेंटली में ही पढ़ा हुआ है, तो सबको याद है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा, ठीक है, कि ये एपी है, एपी के 3 एन टर्म्स का सम दिया है, एपी के 2 एन टर्म्स का सम दिया है, और हम लोगों को ये रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। देखो एपी के 3 एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, अपने पास एन होता है, तो ये हो जाएगा 3n/2, 2a+3n-1d, ठीक है। ये कितना लिखा है, 3, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। कितने टर्म्स का सम है, 2n, तो 2n टर्म्स ले लेते हैं। बस फार्मूले में क्या करना है, n की जगह पे एक बार 3n रख देना है और एक बार 2n रख देना है, दिख रहा है ना। एक बार ये 3n हो जाएगा, एक बार 2n हो जाएगा, बाकी सब कुछ जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब देख लेते हैं कट क्या रहा है, 3 कट गया, n कट गया, 2 कट गया, ठीक है। तो देखो इधर से तो कुछ नहीं बचा, यही नंबर बचा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4a-2a, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो d कॉमन है तो माइनस का 4 है, प्लस का 2, ठीक। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2a, तो यहां पे 2a आएगा। अब देखो ये दोनों सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस, और ये आ जाएगा प्लस का 1। अब इसको इधर भेजे देना, माइनस कॉमन निकाल लेना, ठीक है, पहले माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो अपने सामने 2a की वैल्यू निकल कर आ गई कि 2a की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जिस चीज को निकालना है उसके भी फॉर्मूले लिख लेते हैं। जैसे इसको निकालना है तो इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने सामने, अब ये 4n टर्म्स का सम हो गया तो कितना हो गया, 4n/2, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, 2a+4n-1d, यहां पे 2n हो जाएगा,
ओके तो देखो n बाई टू से n बाई टू कैंसल, टू से ये कैंसल, ठीक है। अब देखो ये जो 2a की वैल्यू आई है वो हम लोग यहां रख सकते ना, तो फटाफट एक काम करते 2a की वैल्यू यहां रख लेते। अब देखो जैसे ही हम लोग 2a की वैल्यू यहां रखेंगे तो देखो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों जगह रख ले रहे, ठीक है, ऊपर भी रख दे रहे और नीचे भी रख दे रहे बेटा। ओके अब देखो d कॉमन है तो d ऊपर नीचे कॉमन होके क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अगर d कैंसिल हो जाएगा तो देखो क्या बचेगा अपने पास, ये हो गया 2, माइनस को अंदर भेजे दे रहे, माइनस n प्लस 1, ठीक है। यहां पे भी क्या जाएगा अपने पास, माइनस n प्लस 1। ओके अब देखो वन से वन गया ये कितना हो गया 3n और नीचे कितना हो गया n, तो ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 6। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था अपने सामने ये, ठीक है, जिसका आंसर कितना निकल के आ गया अपने सामने 6। अब देखो इसमें कोई 11th नहीं था, इसमें क्या था 10th वाले के बस फार्मूले रख दो आंसर निकाल लो, ठीक है। किसका फार्मूला गया हम लोगों ने, केवल सम ऑफ एपी का, और ऐसे बहुत क्वेश्चन है, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें ढूंढ के एक छोटे से बताया कि देखो ये तो बिल्कुल कौन से हो गए बच्चों वाले। जैसे देखो इसके जैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो ये भी एपी का सम है, क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है, कि ये एपी है और ये एपी का एसएन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। देखो ये क्या कह रहा है, एपी के 10 टर्म का सम ये, तो देखो फार्मूला हम लोगों का क्या कहता है, अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते तो 10 बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 होता है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, क्लियर है ना, 10 टर्म्स का सम यही हो गया। अब देखो अगर देखा जाए तो ये 0 से 0 कैंसिल है तुम्हारा, काट देते हैं इसको, ठीक है, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 106, ठीक है, एक इक्वेशन याद ही। अब 5 टर्म्स का सम देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 बाई टू 2a तो 5 में से एक कम 4d, कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब देखो ये 5 से तुम्हारा कैंसिल होगा तो ये जाएगा सर 28, और इधर से 2 कॉमन है, इधर से 2 कॉमन है तो ये 2 नीचे वाले से कट जाएगा, या फिर ना भी काटो तो ये हो जाएगा 2a 4d, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56। क्यों नहीं काटा मैंने, इसका रीजन देखो मैं तुम्हें यहां पे दे देता, एक सेकेंड, देखो ये कितना अपने पास 4d और ये कितना हो जाएगा 56। देखो बच्चे हम लोगों ने 10th में 3rd चैप्टर पढ़ा था ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो देखो इसमें 2 सेम हो गए। अब अगर 2 सेम हो गए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अगर ये 2 काट देते तो फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधे सीधे क्या रखा, इसको ऐसे ही रख लिया। अब देखो ये कैंसिल है, ये कितना आ जाएगा 5d, और इसको माइनस करोगे कितना आएगा 50, यानी d का आंसर कितना हो गया। ओके अब ये d की वैल्यू यहां रख लेते हैं, सोलह, तो a का आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, a का आंसर कितना आ गया 8, और इसका आंसर कितना आ गया ये। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, 20 टर्म्स और 6 टर्म का डिफरेंस, तो चलो इसका सम निकाल लेते हैं। देखो 20 वाले का सम कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 19d, माइनस 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बाई टू 2a प्लस 5d, यही आ जाएगा। अब a और d की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो भाई ये 10 आया, अब 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहां पे 20, इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने सामने 190,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तीन इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा सिक्स, और ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन। अब ये इससे माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा फोर्टीन है, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा वन सेवन फाइव डी। ओके, अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास एट है, 14 इंटू एट इसका ये लिखा है तो 175, ठीक है कितना आ जाएगा ये 175 इंटू टेन। ओके तो देखो ये तो मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा अपने पास 1750। 14 और 8 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, टेबल आती होगी 112 होता है। ओके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2681। तो इसका आंसर कितना हो गया अपने सामने 1862, ठीक है तो इसका ओवरऑल आंसर कितना निकल के आ गया अपने पास 1862। ओके तो देखो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन, टेंथ के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमारे सामने कहाँ आते हैं बेटा मेंस के अंदर आते हैं। ठीक है तो चलो इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में भी छोटे छोटे क्वेश्चन और भी देखेंगे।